आज भी दो नंबरी डीजल धड़ल्ले से बिक रही है, जिसे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। यह कारोबार समुद्र के भीतर चल रहा है। दो नंबरी डीजल का व्यवसाय धड़ल्ले से और बेखौफ बिना डरे चल रहा है, जिसमें कई वेसल लगे हुए हैं, जिनका कारोबार लाखों नहीं करोड़ों में हो रहा है और जिसकी वजह से लाखों रुपए का राजस्व सरकार का डूब रहा है। इस गोरख धंधे को अंजाम तक पहुंचाने जो जो व्यक्ति शामिल हैं, उनकी फहरिस्त हमें मिली है, जिसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। जो आज डीजल के खेप समुद्र में हाथों हाथ बेच दे रहे हैं, वो कल की तारीख में RDX या ड्रग्स बेचने में भी शायद गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके नजर के सामने कुछ है तो वह है दौलत। और आपने सुना भी होगा, जो देश के साथ गद्दारी करे वह आतंकवादी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, और आतंकवादियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। हम जिनके नाम का खुलासा करने जा रहे हैं, उनके मालिक से हमने संपर्क करने का प्रयास किए, पर उनसे कोई बात नहीं हो पाई। हकीकत यह भी है कि इस कारगुजारी की जानकारी वेसल के मालिक को है या नहीं, हमें नहीं पता, और हमारी मंशा उन्हें बदनाम करने की भी नहीं है। हमें जो मच्छीमारों ने बताया है, उसकी सत्यता की जांच होनी बेहद जरूरी है। अगर वो विदेशी डीजल को देश में 60 से 65 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनको किसने इजाजत दी है। वह कौन से सरकारी अधिकारी हैं जो जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं? सुरक्षा से खिलवाड़ का खामियाजा एक बार मुंबईकर के नागरिक झेल चुके हैं, जिसमें कई मुंबईकर को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के भी कई अधिकारी और पुलिस कर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ा। कटु सत्य यह भी है कि उस खेल के पीछे हमारे देश में भी कोई गद्दार था या नहीं, उसकी पहचान नहीं हो पाई। अब एक बार फिर सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें कई दलाल के नाम सामने आए हैं, जिनमें विद्या कोहली, विक्की कोहली, अजय बंगाली, प्रेमचंद कोहली और साई नाम के दलाल इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने में शामिल है। वहीं दूसरी ओर इस खेल में दो वेसल के नाम सामने आए हैं, जिसमें सागर प्राइड और सागर एनर्जी का नाम मछुआरों ने डरते डरते बामुश्किल बताया है। इस गोरख धंधे में देवसिया जो चीफ इंजीनियर हैं और कैप्टन विजन का नाम सामने आया है। वहीं दूसरे वेसल में इंजीनियर IP राज का नाम सामने आ रहा है। हम यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मछुआरों ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया है। सरकारी महकमे को चाहिए जो समुद्र में तेल का खेल खेल रहे हैं, उन पर अंकुश लगाए, नहीं तो यह फोड़ा आज नहीं तो कल नासूर बन सकते हैं। हम जब करंजिया पोर्ट पर पहुंचे, तब दो मछुआरों से जानकारी लेने का प्रयास किए। सुने उन्होंने कैसे डरते डरते डीजल माफियाओं के विषय में हमें जानकारी दिए। ये बताएं, क्या काम करते हैं आप? मैं इधर मच्छी पकड़ता है, यह हमारा नाव है। अच्छा, आपका बोट है, बोट चला लेते हो आप? क्या बात। अच्छा ये बताइए कि देखिए, जिस तरह से आज के तारीख में डीजल का कीमत इतना ज्यादा हो गया है, तो अच्छा मच्छी मार लो को परवड़ता है क्या? नहीं परवड़ता है, बहुत भाव बढ़ गया है, 100 के ऊपर भाव गया है। हाँ। तो डीजल लेने के लिए तकलीफ होता है, और मच्छी भी उतना है नहीं। हाँ। तो डीजल लेने के लिए वो सब खर्चा भी बहुत बढ़ता है, आदमी 10-12 आदमी रहता है तो बहुत लाखों के ऊपर खर्चा जाता है। अच्छा, मतलब परवड़ता नहीं है? परवड़ता नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए फिर, डीजल अगर परवड़ नहीं रहा है, तो आप लोग डीजल लेते कहाँ से हो? लेता है वो बाहर, सब अंदर का बात चालू है तो आप उनको बता नहीं सकते। हम अच्छा। हमको झमेले में पड़ने का नहीं, लेकिन नहीं। तो अंदर का बात रहता है तो देवीश्री है। हाँ। और देवीश्री का उस साई से एक ये देवस्य, क्या देवीश्री या देवसिया? देवसिया। अच्छा, देवसिया जो है साई से। अच्छा, ये देवसिया कौन है और साई कौन है, आपको मालूम है? वो एजेंट ट्रैप करता है। अच्छा, साई जो साई एजेंट है? दोनों भी एजेंट है, लेकिन वो देवीश्री है ना, वो साई को ये देता है। अच्छा, एजेंट का मतलब टिप देता है। अच्छा, कमीशन होता होगा उनका, वो क्या मालूम नहीं। अच्छा, लेकिन वो साई है ना, वो हमारे को बोट वाले को बताता है, और बारी बारी में हम लोग जाते हो आते हैं। अच्छा, तो डीजल क्या भाव में मिल जाता है आप लोगों को? वो 65-60 में ऐसा मिलता है, तो उधर उतना में मिलता है, तो हम लोग इधर। तो ये कौन वेसल आता है या बड़ा जहाज आता है, क्या आता है? वेसल आता है। वेसल आता है। अच्छा, तो ये वेसल से माल उतरता है, फिर एक बोट पे कम से कम कितना टन माल लगता होगा? 5-6 टन का माल लगता है उसे एक एक बोट पे। तो ऐसे कितने 100-200-500 बोट होंगे? बहुत बोट रहता है, और बोट वाला बेताब रहता है कि कभी हमारे को एजेंट आता है और बताता है क्या रहता है, तो उधर इतना में मिलता है, तो काई के लिए हम 100 रुपए का भरेगा इधर। मच्छी का ऊपर अभी तो मच्छी मिलता नहीं है। अच्छा। फिर भी हम लोग जाता है, थोड़ा कुछ मच्छी मिलता है,
तो उसका हिसाब से 8 दिन 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है। अच्छा, 15 दिन आप लोग समुद्र में रहते हो, एक बोट को 15 दिन समुद्र में रहता है, जाने आने में कम से कम कितना डीजल खर्च होता होगा? 4 टन 5 टन उसका हिसाब। 4 टन 5 टन। तो अभी सब बोट वाले डीजल कहाँ से खरीदते हैं? अभी तो जो भाव बढ़ गया है उसका हिसाब से तो हम अगर किनारा में लेंगे तो हमको पड़ रहेगा नहीं, हमारा जो शेड है उनको भी पड़ रहेगा नहीं जी। तो हम लोग को ऐसा मतलब बाहर का ऐसा बोट मिलता है और जो यहाँ से हम लोग को भेजता है तो बाहर में 2 बोट आता है जो हम, मेरा जानकारी है, बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, एक सागर प्राइड है और एक सागर एनर्जी है। अच्छा, ये 2 बोट है। और यहाँ पे जो हमको तो वहाँ क्या होता है नहीं होता हमको जानकारी नहीं मिलता है। यहाँ पे एक साई आदमी बोल के एक आदमी है। अच्छा, इसका जो टच है वो बोट वाले से है? हाँ, बोट वाले से। अच्छा, और वहाँ पे वो आदमी का नाम जो देवसिया है, ये साई से देवसिया का कंट्रागा जो भिसाल में रहता है देवसिया। अच्छा, तो ये साई हमको वो पोजीशन बताता है जो वहाँ पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा और ये जो हमको यहाँ डीजल का भाव है उससे सस्ता मिलता है। कितना क्या रेट होता होगा वहाँ से? 60-65, ज्यादा से ज्यादा 70 तक जाता है। अच्छा, तो इतना में हमको पड़ता है। तो आज का टाइम अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कम से कम कितने बोट होंगे? यहाँ पे यहाँ तो 100-200 से ज्यादा ही बोलेगा तो मतलब तो एक एक बोट को कम से कम 4-5 टन लगता है। और 200 बोट को तो अब हिसाब लगाया जा सकता है। तो मतलब सब वही समुद्र वाले माल भरते हैं? ज्यादातर वही भरते हैं क्योंकि यहाँ पे भरेंगे तो हमको पड़ेगा ही नहीं, उल्टा हमारा लॉस हो जाएगा। एक बोट पे कितने कर्मचारी होते हैं कम से कम? 8-10-15 ऐसा तो कभी जो नेट वाला है उससे तो 18-17 आदमी भी होता है। अभी 18 आदमी का खर्च भी है और डीजल के भाव भी बढ़े हैं, मछली इतना नहीं मिलता है जी। शेड को अगर पड़ेगा नहीं तो हमको कहाँ भेजेगा जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखना होगा सरकार 2 नंबरी लोगों पर कब लगाम कसते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि नवी मुंबई पुलिस ने अपने सीमा को पार कर डीजल माफिया को गिरफ्तार किए थे, पर उसके बावजूद डीजल माफिया बेखौफ होकर डीजल बेचने के व्यवसाय में लिप्त है, जिस पर लगाम कसना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मेरे द्वारा बनाई गई खबर बेलाग बेलपेट है और आप हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं और किसी की आवाज बनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें या हमसे सीधे संपर्क करें। आप चाहते हैं कि आप तक हमारी खबर पहुंचे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, इसी तरह की खबर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे।